सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सीरियल में अभिमन्यु और अक्षरा की शादी को लेकर होने वाला है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो आखिर सीरियल में आगे की पूरी क्या होने वाली है, उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल की रिसेंट स्टोरी में देखा ही होगा कि उदयपुर के महोत्सव के लिए अभिमन्यु अपने फ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में आरोही अक्षरा और कायरो भी उदयपुर महोत्सव के लिए जा रहे हैं और यहीं पर आरोही अक्षरा और अभिमन्यु की मुलाकात होती नजर आएगी, क्योंकि कायरो के दोस्त और अभिमन्यु के दोस्त कॉमन फ्रेंड होंगे और उसी के जरिए इन तीनों की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले अभिमन्यु और अक्षरा की भी मुलाकात होती नजर आएगी, जहां आप सीरियल की कहानी में देखेंगे कि अभिमन्यु को पहले ही नजर में अक्षरा से प्यार हो जाएगा। साथ ही आप इस सीरियल की कहानी में देखेंगे कि सुहासिनी दादी और स्वर्णा भी उदयपुर जाते हुए दिखेंगे, जहां आप इस सीरियल की कहानी में देखेंगे कि सुहासिनी दादी अभिमन्यु को देखकर पहली नजर में अभिमन्यु को अक्षरा के लिए पसंद कर लेगी। जिसके बाद सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब स्वर्णा अभिमन्यु के घर वालों से शादी के लिए बात करेगी और अभिमन्यु की फैमिली वालों को लगेगा कि अभिमन्यु की शादी के लिए आरोही के लिए बात चल रही है और यहीं से सीरियल की कहानी में कंफ्यूजन आना शुरू होगा। आपको सीरियल में लीप की बात की स्टोरी लाइन पसंद आ रही है या नहीं कमेंट में आप हमें जरूर बताएं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।